हेलो फ्रेंड्स, होमार चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में समोसे बनाना सीखेंगे, कैसे हमें समोसे तैयार करने हैं। तो समोसे बनाने में जो प्रॉब्लम आती है तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, मैदे को गूंथेंगे। मैंने 2 बड़े कप मैदा लिया है, आधा चम्मच नमक डाला है, स्वादानुसार डाल सकते हैं। ये हमने 1 बड़ा चम्मच मीठा तेल डाला है, इसमें हम कोई भी तेल, घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको मंथेंगे, मंथेंगे तो ये अच्छा इसका समोसा बनेगा। ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाली है, बड़ी चम्मच आधा अजवाइन डाली है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। हमें ठंडे पानी से इसको गूंथना है, गर्म पानी से नहीं गूंथना है, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी के अंदर हमें ठंडे पानी से ही यूज लेना है। इस तरीके से हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। ज़्यादा हमें ढीला भी नहीं गूंथना है और टाइट भी नहीं गूंथना है, मीडियम रखना है हमें इसको। ऐसे आराम से गूंथते रहेंगे और हमारे समोसे बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, धीरे धीरे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है हमको। तो इस तरीके से हम समोसे बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये मैंने गूंथ के रख लिया है इसको। तो अब हम आलू लिए मैंने, हरी मिर्च और प्याज, इसको बारीक बारीक काट लिया है हमने, स्वादानुसार लेंगे। ये आलू लिए, इसको हम उबालेंगे, उबालने के बाद में इसको हम छीलेंगे। पहले इसको उबालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको उबाल के रखेंगे। हम अपने अनुसार से मसाला डाल सकते हैं, कितने प्याज आलू लेने हैं हमें, ये मैंने उबाल के रख लिए। अब हम इसको छीलेंगे, छील के हमें इसको मैश करना है धीरे धीरे। पहले हम छील के रखेंगे इसको, छीलने के बाद में हमें इसको मैश करके रखना है, सबको मिक्स करके मैश करके रखना है इसको। इस तरीके से आलू छीलेंगे सबसे पहले, प्याज काट ही लिए हमने बारीक बारीक और हरी मिर्च भी काट लिया है, इस तरीके से छील के रख लिए। अब हम इसको छोटे छोटे काटेंगे, पीस में बारीक बारीक काट के रखेंगे इसको, इस तरीके से। इसको काटने के बाद में हम इसको सेकेंगे, थोड़ा थोड़ा भूनेंगे इसको हम। ये मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने तेल डाला है। तेल डालने के बाद में ये सूंप डाली है, इससे हमारी खुशबू अच्छी आती है। ये हरी मिर्च डाली है इसमें, ये प्याज और ये आलू डाले हैं। अब हम इसको धीरे धीरे, धीमे धीमे आँच में पकाएंगे इसको। इसमें हम स्वादानुसार अपना मसाला डालेंगे, ये नमक डाला है हमारे स्वादानुसार, ये 1 चम्मच मिर्ची डाली है, ये 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धाना, ये अमचूर पाउडर। इसको हम धीरे धीरे सेकेंगे। ये बनके तैयार हो गया है हमारा मसाला।